बात सुन उजाला, मेरी बात याद रखना। आइंदा तू घर छोड़कर गई है ना, तुझे लेने नहीं आऊं, और इस स्कूल में मत रहना, मैं तुझे आजाद कर दूं। अब जाके घर के काम देख, पूरा घर उल्टा पड़ा हुआ। ऐसे मत करना कि कमरे में जाके दरवाजा बंद करके बैठ जाए आराम से। अब वो एक अच्छी सी चाय बना के दे और खाना भी बना लेना, बहुत भूख लगी है मुझे। एक तेरी बहन है, एक कप चाय का भी नहीं पूछती मुझसे। जा जल्दी से बना के दे चाय। चलो तू आ गई। जी आपकी तबीयत कैसी है? नहीं थी तो कैसी होगी मेरी तबीयत, कल से कुछ भी नहीं। आप आ नहीं आई? उसका आना और ना आना सब बराबर ही है। ना उसने मुझे खाने को दी, ना कोई दवाई। आपने दवा भी नहीं ली? बेटा मेरी औलाद बहुत कुछ कर सकती है, और ये बेटी, उसे तो मेरा जरा भी एहसास नहीं। उसने ना मुझे खाना पका के खिलाया और ना कोई दवाई दी। और उल्टा चार बातें बना के नाराज होके चली। अच्छा आप परेशान ना हो, मैं आ गई हूँ ना, मैं पहले पूरा घर साफ कर लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ, आपको खाना भी देती हूँ और दवा भी, ठीक है? अल्लाह तुझे खुश रखे, तेरी रिजवान से जान छुड़ा दी। अम्मी ये क्या कह रही हैं आप? हैरत हो रही है ना तुझे, मैं जानती हूँ वो सुधरने वाला नहीं है। तू जब तक यहाँ रहेगी ना बर्बाद ही रहेगी। बेटा तुम मेरे बारे में मत सोच, तू यहां से चले जा, मेरा क्या, मेरी तो वैसे ही आखिरी सांसें चल गई। मैं आज हूं कल नहीं। कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हैं आप? आपको कुछ नहीं होगा और मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, ठीक है? जानती हूँ बेटा, अल्लाह के बाद एक तेरा ही सहारा है। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती, तू रिजवान के साथ खुश नहीं रह सकती। तुझे जैसे मौका मिले तू यहां से चली जा।